हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक आई होप ऑल आर डूइंग वेल सो हम बात करेंगे सिंटिक्स प्लास्टिक टेक्नोलॉजी शेयर के बारे में फ्रेंड्स थ्री पॉइंट फाइव फिट करेंट प्राइस है बहुत से सब्सक्राइबर पूछ रहे हैं कि मैम इस शेयर में क्या करना चाहिए बिकॉज जो इनकी एक सब्सिडरी कंपनी है सिंटेक्स इंडस्ट्रीज वो फ्रेंड्स सस्पेंड है एन एस से और उसे लॉन्ग टाइम हो चुका है अराउंड फाइव टू सिक्स मंथ्स हो चुके हैं ट्वेंटी मार्च के बाद से ही सब कुछ क्लोज है एंड उनका एन में केस चल रहा है तो जानेंगे मैं आपको हमेशा बोलती हूँ फंडामेंटल्स अच्छे नहीं है इस शेयर के तो जिन्होंने भी कोई एंट्री नहीं ले रखी है वो तो सीरियसली इसको अवॉइड कीजिए एंड जिन्होंने एंट्री ले रखी है अगर वो अच्छे प्रॉफिट में है तो आप प्लीज अपना प्रॉफिट बुक करके किसी अच्छे वैल्यूएबल स्टॉक क्वालिटी स्टॉक में अपना अमाउंट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं बिकॉज फ्रेंड आपको रिस्क नहीं लेना चाहिए बिकॉज फंडामेंटल्स में आपको आगे दिखाऊंगी कि फंडामेंटल्स काफी ज्यादा पुअर है एंड फ्रेंड्स अभी आपको अभी एक पेनी स्टॉक है थ्री रूपीज के आसपास ट्रेड हो रहा है एंड नेक्स्ट टारगेट्स आप इसमें क्या देख सकते हैं वो भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगी सिक्सटीन रुपीज फिफ्टी टू वीक हाई है लो है थ्री पॉइंट जीरो फाइव तो देखिए आप फिफ्टी टू वीक लो के ही नियर है ये शेयर ज्यादा एंड अगर बात करें फंडामेंटल्स की एंड मार्केट कैप है कितना इन्वेस्टमेंट है तो आप देखिए टर्नओवर है कंपनी का ओनली थर्टीन लाख का मार्केट कैप है टू ट्वेंटी सेवन करोड़ तो मार्केट कैप भी कुछ ज्यादा अच्छा नहीं है बट फ्रेंड्स इससे ज्यादा मेन फर्क पड़ता है फंडामेंटल्स की फंडामेंटल्स कैसे कंपनी के और कंपनी एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है या लॉस मेकिंग कंपनी है फेस वैल्यू वन रुपीज है मैंने अपनी अगर आप मेरी इसकी लास्ट फ्यू वीडियोज आपने देखी होंगी सिंटेक्स प्लास्टिक की तो मैं आपको हमेशा अवॉइड करने की ही एडवाइस करती हूँ एंड अगर आप अच्छे प्रॉफिट में है तो अपना प्रॉफिट बुक कर लीजिए या फिर इन्वेस्टमेंट कर रखी है तो ज्यादा इन्वेस्टमेंट कभी नहीं करनी चाहिए पैनी स्टॉक्स में एंड वो भी ऐसे स्टॉक्स में जिनके फंडामेंटल्स अच्छे नहीं ईपीएस देखिए का पी तो है आप देख सकते हैं सो so, प्लास्टिक से बिलोंग करता है ये शेयर सिंटेक्स का नाम भी आपने सुना होगा एथ अगस्त को लास्ट ऑफिशियल अनाउंसमेंट आई थी उसके बाद कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है बट देखिए जून क्वार्टर में माइनस थ्री थ्री करोड़ का लॉस आया है ये अच्छी चीज है कि मार्च क्वार्टर के लॉस के कंपैरिजन लॉस काफी ज्यादा कम हुआ है बट फिर भी एक लॉस मेकिंग कंपनी है नेक्स्ट टारगेट आप क्या लेके चलेंगे इसमें सो फ्रेंड्स नेक्स्ट टारगेट आप नेक्स्ट सेशन के लिए इसमें लेके चलते हैं थ्री पॉइंट फाइव का डाउन ट्रेंड में एंड थ्री पॉइंट सिक्स फाइव का अपर साइड में पर चांसेस ज़्यादा इसके डाउन ट्रेंड जाने के ही हैं फ्रेंड्स सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो नेक्स्ट टारगेट्स मैंने आपको बता दिए हैं कोई फ्रेंड्स न्यू अच्छी गुड न्यूज़ नहीं आ रही शेयर से रिलेटेड अगर नेक्स्ट क्वार्टर में जो नेक्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट में अगर ये कंपनी प्रॉफिट मेकिंग हो सा हो जाएगी तो हम यहाँ से एक बहुत अच्छा रिटर्न देखने को ज़रूर मिलेगा बट आपको ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखनी है कि इनकी सब्सिडरी कंपनी एन अहमदाबाद में सी का केस चल रहा है तो आपको उसी अकॉर्डिंग आपको इसमें भी ज़्यादा रिस्क नहीं लेना कम से कम रिस्क लीजिए और अगर प्रॉफिट में है तो निकल जाइए थैंक यू सो मच